दीदी ने आज का खाना बनाया और दीदी ने पानी गर्म दिया है. थैंक यू सो मच दीदी. इट मीन्स टू मी. ओह माय गॉड, द क्लाइमेट इज सो मच अमेजिंग. मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती. मेरा जो रूम है वो एक्चुअली में ये वाला है. मतलब यू नो इट्स अ ब्यूटिफुल होम स्टे थैंक्स टू देम. एंड यू नो दे हैव द पैराग्लाइडिंग साइड ऑल्सो, जो अभी बंद है फ्लाई से, कि मैंने एंजॉय करके. यू कैन सर्च देम, देयर इज अ नंबर ऑल्सो. प्यारे प्लांट्स आइडिया टायर्स के साथ. मैं अपने सारे पुराने टायर्स को ऐसे करने वाली हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है अब. राकेश आ जा फटाफट, चल. हमने खाना बहुत सारा पैक कर लिया है क्योंकि हम लोग बहुत दूर जा रहे हैं, कम से कम 200 किलोमीटर. सो मैं जगह का नाम बिल्कुल मेंशन करने वाली हूँ, ऐसा नहीं है. हम साउथ सिंह की तरफ जा रहे हैं. बट राकेश जल्दी से गाड़ी में बैठो. दीदी ने हमारे लिए ये सैंडविच बनाए हैं, इट्स सो यम. मतलब पैक कर रहे हैं. बेसिकली हम जा रहे हैं, क्या नाम है जगह का, सरप्राइज. तुम हमेशा सरप्राइज क्यों करते रहते हो मेरे साथ? ऑडियंस सरप्राइज पसंद नहीं करती. ये ना इसके प्लान्स होते हैं आजकल ना, ये पूरा गंगटोक का प्लान सारा इसी का. मतलब इसका मतलब जो आसपास जा रहे हैं उस जगह का प्लान सारा इसी का. तो मुझे लगता है सारा सरप्राइज सरप्राइज मेरे साथ ही खेलता है पूरे दिन. रोड्स चेक करो गाइस, ऐसी ऐसी रोड्स हैं. Look at this place. It's like यहाँ पूरा घर बसे हुए हैं. ये रास्ते में ही है गाइस. अगर आप नामची गाड़ी से जा रहे हो तो आपको जरूर नजर आएगी. बल्कि मेरा भी रास्ता 19 मिनट का और बचा हुआ है. बट आज मैं इसको जल्दी उठा गया, इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है. सो आई नो मैंने बोला सीधा नामची देखेंगे, बट ये जगह इतनी सुंदर लगी कि आई स्टॉप्ड फॉर अ वाइल. अब नामची सीधा. सो बेसिकली ये चार धाम मंदिर कहलाता है. एंड इसकी टिकट है, दिस इज द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा, मतलब फिफ्थ टॉलेस्ट. और कितना फीट है ये, कितना फीट बताया तुमने है? कितना फीट है ये? 52 फीट गाइस. मैं इसकी इनकी बात नहीं कर रही एक्चुअली. मैं हम अंदर की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे सबसे बड़ा टाइलर स्टैचू है. तो मैं हूँ यहाँ पे जो चार धाम को, बद्रीनाथ, जगर धाम. यहाँ पे देखो धाम के वो दे रखे हैं पिक्चर्स एंड ऑल, ज्योतिर्लिंग टेम्पल्स. जगन्नाथ धाम. अब हम सेकंड जा रहे हैं, दैट इज रामेश्वरम. मतलब रामेश्वरम कहाँ है असलियत में, तुम्हें पता है कौन सी जगह? नहीं, तमिलनाडु. तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में भी ना अगर तुम मैप्स में जाओगे तो बहुत नीचे. This place is so big with all 16 ज्योतिर्लिंग and चार धाम. अगर आपको 16 ज्योतिर्लिंग के नाम पता है तो मुझे कमेंट करके बताओ. जिसने सबसे पहले कमेंट करा आई एम गोना सेंड यू समथिंग फ्रॉम माय साइड. बट 16 के 16 ज्योतिर्लिंग के नाम लिखने हैं आप लोगों ने, क्योंकि मैंने 16 के इसमें कैमरा में कवर नहीं करते. बट आप मुझे लिख कर बताओ फटाफट से. और चार के चार धाम अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ नीचे मैंशन करो. और अगर आप चार में से धाम कवर कर चुके तो वो भी कमेंट में बताना. सो ये है द्वारिका धाम गाइस, द्वारिका धाम. अब अगले हम जा रहे हैं साई टेम्पल. मतलब यहाँ पे 16 लिंक भी हैं, मतलब चार धाम और 16 लिंक.
मतलब इंसान को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा बट पता है वहाँ पे जो जाने पा, बट मुझे लगता है वो जो वाइब्स होती है ना वो जाकर ही आती है, पता है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है, और इसके आगे मतलब यहाँ पे ऑल 16 ज्योतिर्लिंग छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। आगे से लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं यहाँ पे, मुझे वेस्ट बंगाल भी आगे गाड़ी से ज़्यादा दिखेगी। अगर आप यहाँ आ चुके हैं तो मुझे कमेंट करके पक्का बताना। ओमकेश्वर ज्योतिर्लिंग जैसे बेद अंथा ज्योतिर्लिंग, और मेरे आसपास पता अभी और भी कवर करने के लिए बचे हुए हैं, मैं आपको फटाफट से दिखाती हूँ कौन कौन से हैं। दिस इज भीमा शंकरा एंड द सेवेंथ इज लाइक, मैं अभी तो सातवें नंबर पर ही पहुँची हूँ। ओके दिस इज सेतु बंदना एंड पट बंद किए जा रहे हैं, आई गेस टाइम हो गया है मंदिर को अभी क्लोज करने का तो शायद इसलिए पट बंद किए जा रहे हैं। एंड दिस इज श्री नामेश्वरम, बहुत नामेश्वरम तो मैंने बहुत लोगों के मुँह से सुना है। विश्वेश्वरा ज्योतिर्लिंग, और आगे मेरे मतलब अभी तो मैं सिर्फ 9वें नंबर पर हूँ, मतलब अभी कुछ और ज्योतिर्लिंग भी बचे हैं, पहले मैं मंदिर चले जाऊँ मेन। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है गाइस ये, और इसका तो हर ज्योतिर्लिंग में माथा टेकना है, इज रियली एक्साइटेड। टाइम लिमिटेड है हमारे पास एक दूसरी जगह भी है, इसने सरप्राइज देना है मुझे आज, चाहे गाड़ी ये चलाए ना चलाए। सो जल्दी जल्दी ज्योतिर्लिंग कवर करते हैं, होपफुली आपको ये जगह बहुत अच्छी लगी, और अगर आपको पहले से पता था ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना मत। तो गाइस आप यहाँ पे कपड़े पहन के पिक्चर्स भी खिंचवा सकते हो, एंड एग्जैक्ट सबकी ऐसी है। दो बार जा चुकी हूँ ना, तो गाइस ये यहाँ का स्टेडियम है, मुझे ये नहीं पता यहाँ पे अंदर जाना अलाउ है कि नहीं है। लुक एट द स्टेडियम फुटबॉल ग्राउंड, मतलब इतने सारे बच्चे है, बच्चे लोग दूर दूर से, फीफा वर्ल्ड कप वंस रशिया करके कुछ लिखा है, विनर फ्रांस ईयर 2018 में कुछ जीते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप वहाँ चेक करोगे ना मतलब आपको तो दिखेगा नहीं, आई विल टेल यू वहाँ लिखा हुआ है। बट दिस इज इन ब्यूटीफुल, जन्नत है। मुझे कारगिल की सड़कों की याद आ गई यहाँ गाड़ी चलाते हुए, मतलब बिल्कुल अलग जगह है। और जो मेरे साइड में रिवर बह रही है जिसको मैंने अभी क्रॉस किया था, उसका नाम रंगीत रिवर है, एंड एक घंटे में अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पे होंगे आज की। फटाफट चलते हैं, टाइम ना वेस्ट। नॉट एक्सपेक्टिंग ऑटो, यहाँ पे भी टनल है गाइस, और मैप रुक गया टनल के अंदर घुसते हैं, उसको ये नहीं पता अब जाना कहाँ पर है। कभी कभी मैप तो रिवर पे चढ़ा देता है, पता नहीं गूगल मैप्स की तो जय हो, मैं तो मेरे को लगता है मैं रिवर पे चला रही हूँ गाड़ी कभी कभी गूगल मैप्स को देख के। वो
पूरी तरह से हम बाहर भी निकल रहे हैं। सो यहाँ पे 111.40 का रेट चल रहा है। भैया कौन सी जगह है? KG क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। GAYZING अच्छा अच्छा, ये कहाँ जा रहे हैं हम, कितनी दूर है वो जगह, पैनिंग कितनी दूर है? बस अच्छी जगह है, सुंदर है, टूरिस्ट प्लेस है। सो गाइस ऑन द वे आपको बहुत पुरानी चीजें देखने को मिलेगी, जैसे कि 1984 की धर्मशाला जो है। एंड पता है इस वक्त कितनी बारिश हो रही है, मौसम इतना प्यारा हो रहा है, मतलब एंड आई गेस दिस इज अ स्टे एक्चुअली। सो हम पहुंचने ही वाले हैं 9 मिनट के अंदर, बट यहाँ पे ना कुछ है, हिस्ट्री है यहाँ पे, फिर हिस्ट्री बहुत ही खूबसूरत है। वी फॉक्स, चलो 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 चलो, कहाँ पर गया फॉक्स? इरा, हेलो फॉक्सी, मैं तुम्हें पहचान लिया था जब तुम चल रहे थे। हेलो, अबे चल रहे, मेरे को क्यों मरवाना चीजा बुरा खुदा। लुक एट द वेदर, बारिश आएगी। मोनेस्ट्री तक पहुंचने के लिए एंड स्टिल अ लॉट ऑफ वे टू गो। ब्यूटीफुल, फाइनली मोनेस्ट्री हम पहुंचने वाले हैं। स्काई वॉक मोनेस्ट्री का नाम है, फाइनली इसने रिवील कर ही दिया है। और हमें भूख लगी है, पता है मैंने यहाँ पे बहुत सोकर का शौक देखा है लोगों में। एंड लुक एट दिस पीपल, मतलब दे आर मिड एज पीपल ऑलमोस्ट, और ये सब सोकर खेल रहे हैं। वहाँ बच्चे सोकर खेल रहे थे ग्राउंड में, और अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है एंड द पीपल आर एंजॉयिंग इन द रेन। तेरे बाल उजड़े चमन बन रखे हैं। हाँ बड़ी मोमोस की प्लेट राकेश तुम खाने वाले हो। बढ़िया, लिटरली झूठी। फाइनली इतनी देर बाद कुछ खा रहे हैं हम लोग। हाँ मोमोस की वाइब्स अलग होती है, ये थोड़ी अलग है। सो मैं आ गई हूँ आज के नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जिसका नाम है स्काई वॉक। और इसका नाम एक और क्या है स्काई वॉक के साथ साथ, तुम्हें नहीं पता, चुनंदा चल के देखते हैं वो लिखा चंद्रजिक शिंगम। नहीं है वो तो चाइना में है। वो तो चाइना में। बड़ी कितनी सुंदर जगह है यार, लुक एट द व्यू, कितनी सुंदर है ये। रोक लो कैम, आ जाओ। तो साक्षी कौन सा लग रहा है तुझे ये? क्या लग रहा था? ये क्रैक वाला। नहीं ये वो नहीं है, अनफॉर्चुनेटली ये वो नहीं है। साढ़े चार बजे तक एंट्री है, उसके बाद 5 बजे क्लोज हो जाता है। और टिकट चार्जेस पर पर्सन 100 रुपीस। और हाँ अगर प्राइवेट व्हीकल लेके आ रहे हैं तो 30 रुपीस उसके भी हैं, 20 रुपीज। हाँ क्योंकि परमिट भी बहुत मुश्किल मिलता है, जैसे कि नॉर्थ सिक्किम साइड पे, उसका भी देखेंगे ना आज जाके। बी केयरफुल व्हाइल टेकिंग सेल्फी, सर ना बज जाए इसमें, अच्छा इसलिए। Look at this place, guys.
सो गाइस यहाँ पे जो आप खड़े हैं ना, हम ग्लास पे ही खड़े हैं और व्यू बहुत मार्वलस है। मैंने अपनी पैंट थोड़ी सी ऊपर कर ली है क्योंकि बहुत नीचे थी अकॉर्डिंग टू दिस प्लेस। और आप इस तरह से कुछ जूते में मतलब वो भी ले सकते हैं पॉलिथीन, बट यू नो वी वर प्लानिंग टू गो ऊपर। सो वहाँ पता नहीं था यार पॉलिथीन मिल रही थी वहाँ पीछे, पेड़ है पॉलिथीन। हम लोग कंजूस हो चुके हैं इसका मतलब है हम लोग ट्रिप को बचाने के लिए, मुझे ऐसा लगता है हम लोग ना ट्रिप को बचाने के लिए कंजूस हो चुके हैं बेसिकली। यार यार व्यू बहुत मार्वेलस है, आप पीछे चेक करके देखो यार पूरे, मतलब सच में ये स्काई वॉक से कम नहीं है। आई मीन कि हम कहीं वहीं से आए हैं, है ना, मतलब वहाँ कहीं से। मैं इस वक्त वेस्ट सिक्किम में हूँ और ये जगह इतनी खूबसूरत है। स्काई वॉक आई गेस इसलिए इसका नाम है क्योंकि ये लास्ट इतना ऊपर डेस्टिनेशन पे कोई प्लेस है। सो गाइस यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ अगर आप ऊपर चढ़ना चाहते हो, और राकेश लिटरली मेरी शक्ल देख रहा था ऊपर चढ़ने के वक्त क्योंकि उसको पता है उसके घुटने ठीक नहीं है अभी। इट इज़ काउंटेड एज अ टॉलेस्ट स्टैचू और उसके अलावा 7200 फीट अबव है ये सी लेवल के। कितना सुंदर प्लांट है। हाँ कोई नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ यही रहेंगे। गाइस अगर पॉलिथीन पहन रहे हो तो प्लीज कूड़े में फेंको, ऐसे तो मत करो, लिटर तो मत मचाओ एक टूरिज्म प्लेस पे। वैसे पता है वी वर सो लकी कि हमें अंदर देखने का मौका मिला क्योंकि पता पट बंद हो चुके थे, होने ही वाले थे जैसे ही हम एंटर करे। हाँ वी वर दी लास्ट वन एक्चुअली। सो जब आप स्काई वॉक पे खड़े हो गए ना, सो यू कैन एक्चुअली सी यू नो पहाड़ों पे ना अभी भी बर्फ जमी हुई है, मतलब बर्फ बर्फ है यहाँ पे। तभी मैंने जैकेट पहना हुआ है। हाँ बर्फ है वो रही ना सामने। हाँ वो तो माउंट एवरेस्ट है ना। हाँ तो वहाँ बर्फ है ना, यहाँ थोड़ी है तो खाली। तो यहाँ कौन सी बर्फ है? तुम पागल हो, चश्मा का है तुम्हारा है? वो एक्चुअली कंचनजंगा वाला है वो। कंचनजंगा है वो, कितना मतलब कंचनजंगा तुम्हें पता है सबसे बड़ा मतलब हाईएस्ट पीक माना जाता है इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड में, इसको 6 नंबर रैंक में है। गाइस इस बोर्ड में ऐसा मेंशन है कि यहाँ पे ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री जो है सिक्किम की संग नग चोग मोनेस्ट्री, फाउंडेड बाय लामा 1642 AD। सो मैं गाइस हूँ सिदकोंग तुलकू बर्ड्स पार्क, अगर आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। मुझे इसकी टिकट्स का कोई आइडिया नहीं है अभी क्योंकि मैं अभी बाहर ही हूँ, इसके रास्ते में पड़ता है आपके, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे क्रेन्स हैं। सो अभी मैं वापस जा रही हूँ क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, 4 घंटे मुझे वापस जाने में लगे। मेरा आज 3 जगह का प्लान था और 3 जगह मेरी पूरी हो चुकी है। सो इट्स टाइम टू जस्ट गेट बैक टू द डायरेक्शन। वी आर टेकिंग ब्रेक, अभी हम वापस पहुंचने वाले हैं। हम किस रेस्टोरेंट में हैं, क्या नाम है इसका? ओसिस कैफे। ओसिस कैफे एंड ही इज हैविंग ए कैफे, व्हाट इज दिस? एंड माइन इज लाइक मोका कॉफी एंड आई एम गोना थैंक्स माही एंड पीहू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। किसी ने रिक्वेस्ट करी उनका नाम लेने के लिए, थैंक यू सो मच एवरीबडी, नॉट माही एंड पीहू बट एवरीबडी फॉर कमेंटिंग वॉचिंग माई व्लॉग्स सीरियसली। एंड नाउ वी आर गोइंग टू गो बैक। मैं रुकी हूँ, किस साथ रुके हैं हम, नाम क्या उनका? पता है जाकरी फॉल्स क्यों नाम है? मैं कल के व्लॉग में बताऊँगी पक्का, आपको मना रहना पड़ेगा। अभी कॉफ़ी पीते हैं और वापस चलते हैं सीधा। तो आज का ये पनीर है, ये छोले हैं, सैलड तो मैं सारा खा गई।
मास्क का गेम खत्म करती हूँ इस उनके साथ. बिकॉज पीपल आर वेरी टायर्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू टुमारो. एंड होपफुली आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा.